दोस्तों, अगर आपके सामने रोड फाइट के अंदर सोकेजी का बंदा भी है तो आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको बताता हूँ 3 नॉकआउट पंच जिनका इस्तेमाल आप रोड फाइट के अंदर करके अपने सामने वाले दुश्मन को एक ही पंच के अंदर फ्लैट कर सकते हो। दोस्तों, अगर कहीं पर भी सेम इसी तरह से आपकी कहीं पर किसी के साथ भी रोड फाइट हो जाती है तो इस टाइम के ऊपर आप अपना सबसे पहले जो पंच इस्तेमाल करते हो वो उसके नाक के ऊपर यहाँ पर इस्तेमाल करें, क्योंकि नाक एक प्रेशर पॉइंट है और नाक के ऊपर अगर यहाँ पर इस तरह से आप अपने पंच का इस्तेमाल करते हो तो आप एक ही पंच के अंदर उसको यहाँ पर फ्लैट कर सकते हो। दोस्तों, सेकंड नॉकआउट पंच है, उसका प्रेशर पॉइंट सोलर फैक्स जस्ट उसकी चेस्ट के बिल्कुल नीचे और पेट के ऊपर यहाँ पर जो एक गड्ढा टाइप है, ये एक प्रेशर पॉइंट है जिसको सोलर फैक्स बोलते हैं। अगर यहाँ पर आप फुल पावर से एक ही पंच लगाओगे तो एक ही पंच के अंदर अपने सामने वाले दुश्मन को रोड फाइट के अंदर आप उसको फ्लैट कर सकते हो। दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ तीसरा नॉकआउट पंच जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। इस पंच का इस्तेमाल आप केवल जरूरत पड़ने पर ही करें, जब बहुत ही ज़्यादा जरूरत हो। आप इस तरह से जब भी रोड फाइट होती है तो आप उसके मेन पॉइंट के ऊपर भी अपने पंच का इस्तेमाल कर सकते हो और एक ही पंच के अंदर उसको नॉकआउट फ्लैट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपकी कहीं पर भी किसी के साथ भी रोड फाइट हो जाती है तो आप जरूरत पड़ने पर ही इन पंचों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर पंच है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।